जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका कुंद कुंद भक्ति पाठशाला में प्रथमानुयोग एक झलक। जिस प्रकार आपने जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में सीता नदी के उत्तर किष्कलावती देश और पुंडरी की नगरी, जहां पर श्री मंदिर भगवान महाराजा के रूप में राज्य करते थे, उसी तरह पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेह में भी सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती और पुंडरी की नगरी है। अपने चरित्र नायक भगवान सुविधिनाथ पूर्व भाव में महा के राजा थे। उनका नाम महापद्म था, जो वहाँ पे प्रजाजन को गोपालों की तरह पालन करते थे। राजा महापद्म बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा का पालन करने वाले थे। अत्यंत वैराग्य प्रवृत्ति के होने के कारण अधिकांश समय उनका धर्म ध्यान में व्यतीत होता था। राज्य काज में रहने पर भी वे सम्यक्त सहित मोक्ष मार्ग में रमण करते थे। साथ ही उनका पुण्य योग भी महान था। एक बार उनकी राजसभा में वो बैठे ही थे और एक वनपाल आकर शुभ समाचार देता है। हे स्वामी, आपके मनोहर उद्यान में सर्व जीवों का कल्याण करने वाले ऐसे महामुनिराज चतुर्विदे संघ के साथ ही उनका आगमन हुआ है और उद्यान सुशोभित हो रहा है उन महामुनिराजों के चरण कमल से। प्रभु के पधारने की बधाई सुनकर राजा भी अति प्रसन्न हुए और धूमधाम सहित जिनेन्द्र वंदना करने के लिए चले। जिनेश्वर देव को निरखते ही उनके मन में अपार हर्ष और उपसम रस उलसित होने लगा। प्रभु की वंदना करके वे धर्मोपदेश सुनने बैठ गए। आत्मा अज्ञान से स्वयं ही बहुत दुख उत्पन्न करता है और आत्मज्ञान द्वारा वह स्वयं अपना मोक्ष सुख प्राप्त करता है। भव दुख और मोक्ष दुख सुख तथा उनके कारणों का वर्णन सुनकर राजा का चित्त भी भव दुख से उदासीन एवं मोक्ष सुख के प्रति उत्साहित हो उठा। वैराग्य पूर्वक वे राजा महापद्म विचारने लगे कि अनादि मिथ्या भावों से दूषित आत्मा स्वयं अपने में ही अपने मिथ्यात्वादिक भावों द्वारा अपने को उन्मत्त करता है और भव भ्रमण करता है, दुखी होता है, मानो उसे कोई भूत लगा हो, ऐसी अविचारी चेष्टाएं करता है। विषय कषाय रूप अहित कार्यों को वह हितकर मान लेता है और मोक्ष के उपाय से दूर हो जाता है। ऐसा विचार कर पुंडरीकिणी नगरी के राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप कर स्वयं सर्व हितकारी मुनिराज के चरणों में मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं और आत्मध्यान में लीन हो जाते हैं। आत्मध्यान के द्वारा उन्हें 12 अंग का ज्ञान प्रकट होता है और वे दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं द्वारा महापुण्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगते हैं। अंत में समाधि मरण करके प्राणत स्वर्ग में अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं। महा दिव्य ऐश्वर्य में 20 सागरोपम रहे। असंख्यात वर्षों तक देवलोक के दिव्य वैभव का सुख भोगने पर भी वे महात्मा उन इंद्रिय सुखों द्वारा तृप्त नहीं हुए। इसीलिए उन असार सुखों को छोड़कर अतिंद्रिय मोक्ष सुख की साधना के लिए मनुष्य लोक में आने को तत्पर हुए। देवलोक में उनकी आयु 6 मास ही शेष बची है। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। उस समय भरत क्षेत्र के काकंदी नगरी यानी किष्किंधापुरी में सुग्रीव महाराज राज्य करते थे। उनकी महारानी जयरामा के उदर में तीर्थंकर भगवान का जीव अवतरित होने वाला है। ऐसा जानकर देव उनके आंगन में रत्न वष्टि करने लगे। 15 माह तक प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होने लगी। फाल्गुन कृष्ण नवमी की रात्रि के पिछले पहर में महारानी जयरामा ने 16 सुंदर स्वप्न देखे और इसी के साथ अहमिंद्र के जीव ने स्वर्ग लोक छोड़कर माता जयरामा के उदर में प्रवेश किया
और इस प्रकार तीर्थंकर का जीव एक तेजस्वी वृषभ के रूप में माता के मुख से गर्भ में प्रवेश करता है। इसी प्रकार तीर्थंकरों का जन्म इसी तरीके से होता है। बालक माता के गर्भ में पद्मासन रूप में विराजमान होते हैं। पूरे 9 माह तक माता का गर्भ दिखाई भी नहीं देता और ना ही माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है। उसी समय इंद्र इंद्राणी ने काकंदी नगर में आकर प्रभु के माता पिता का सम्मान किया। महाराजा सुग्रीव स्वयं भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से स्वप्न का फल जानकर कहा, हे देवी, तुम्हारे उदर में जगत पूज्य आत्मा का आगमन हुआ है। हमारा यह पुत्र जगत का तीर्थंकर बनकर जगत का कल्याण करने वाला है। हमारा यह पुत्र सर्वज्ञ तीर्थंकर होकर जगत का कल्याण करेगा और हम भी नियम से मोक्षगामी बनेंगे, क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता एक भाव अवतारी होते हैं। और इतनी सुंदर बात को सुनकर माता जयरामा बहुत ही आनंदित होती हैं तथा स्वर्ग से दिक् कुमारी देवियाँ माता की सेवा करने के लिए आती हैं। मक्षिर शुक्ला प्रतिपदा के दिन महादेवी ने अति तेजस्वी अवधि ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। और इस प्रकार जगती के 9वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ। सारी पृथ्वी हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। सभी जगह प्रजाजनों में हर्ष का आनंद था। सभी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। किसी के प्रति किसी का राग द्वेष नहीं था, बैर विरोध नहीं था। कुछ पल के लिए तो नरकों में भी शांति छा जाती है जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। और सौधर्म इंद्र अपने परिवार सहित मध्य लोक में काकंदी नगरी में पधारते हैं और प्रभु के जन्माभिषेक की शोभा यात्रा निकालते हैं। अति उत्साह के साथ सौधर्म इंद्र पंचम समुद्र क्षीरोदधि से दुग्ध के समान जल, उज्जवल जल लेकर 1008 दिव्य कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक मनाते हैं। बाल तीर्थंकर को सची इंद्राणी माता के पास से ले आती है और एक मायावी बालक को माता की गोद में सुला कर आती है तथा सभी एरावत हाथी पर बैठा कर प्रभु को पांडुकशिला पर ले जाते हैं। समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ इंद्र समान मेरु पर्वत, जो इंद्रों के द्वारा निर्मित है, वहाँ पर स्फटिक मणि की शिला पर प्रभु को विराजमान किया जाता है। वह स्फटिक मणि की शिला प्रभु के स्पर्श मात्र से जगत पूज्य बन जाती है। इंद्रादि देख प्रभु का जन्माभिषेक के पश्चात सची इंद्राणी स्वर्ग से लाए हुए दिव्य वस्त्राभूषण से बाल तीर्थंकर को सुसज्जित करती है। प्रभु का इतना सुंदर अद्वितीय रूप देखकर सौधर्म इंद्र का नयन तृप्त ही नहीं होते हैं। अतः वे 1008 नेत्र बनाकर भी प्रभु के रूप को नहीं निहार पाते और हर्ष उल्लास के साथ तांडव नृत्य करने लगते हैं। उन बाल तीर्थंकर को ऐसे मंगल नाम से सुशोभित करते हुए स्तुति करते हैं तथा मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि के प्रवर्तक होने से उनका दूसरा नाम सुविधिनाथ और पुष्पदंत इस प्रकार से प्रचलित होता है। सौधर्म इंद्र प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे में मगर का चिन्ह देखकर प्रभु का चिन्ह मगर का घोषित करते हैं। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा के मोक्ष गमन के पश्चात 90 करोड़ सागरोपम के अंतर में 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ यानी पुष्पदंत महाराज हुए। उनकी आयु 2 लाख पूर्व की है और उनके शरीर की ऊंचाई 100 धनुष और चिन्ह मगर का है। सभी तीर्थंकरों की तरह बाल तीर्थंकर का बाल्यकाल भी बहुत ही सुंदर लीला के साथ बीतता है। समस्त प्रजाजन उनके साथ अटखेलियां खेलकर मन को तृप्त करती हैं। बाल तीर्थंकर के साथ खेलने के लिए सखा के रूप में देव ही बालक का रूप बनाकर आते हैं तथा बड़े बड़े महाशूरवीर प्रतापी राजाओं के पुत्र ही उनके साथ बाल क्रीड़ा करने के लिए आते हैं।
कभी कभी देवियाँ उनके साथ खेल खेलती हैं। बाल कुंवर की डगमगाती हुई चाल और मुस्कुराहट बिखेरते हुए कोमल हाथों से उन्हें स्पर्श करती है, तो कभी उनके साथ खेल खेलती हैं। प्रभु के स्पर्श मात्र से देवियाँ स्वयं को धन्य मानती हैं। ऐसा लगता है जैसे देवियों के हाथ में तीर्थंकर प्रभु ने सम्यक दर्शन ही रख दिया हो। इस प्रकार अनेक सुंदर बाल क्रीड़ाओं को करते हुए बालक सुविधिनाथ अब युवावस्था में प्रवेश करते हैं। कामदेव उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। ऐसे सुंदर राजकुमार का विवाह देश की अनेक सुंदर सुंदर राजकन्याओं के साथ होता है। तीर्थंकर कुमार स्वर्ग के अतुल वैभव का भोग कर चुके थे, इसीलिए उन्हें इस संसार के शरीर भोगों से इतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं थी और जन्म से ही वैरागी परिणाम के थे। सभी तीर्थंकर परमात्माओं की तरह सुविधिनाथ तीर्थंकर भी कभी अपनी दीक्षा कल्याणक के समय तक कभी किसी मुनिराज के दर्शन नहीं करते और ना ही कोई मुनिराज प्रभु को सामने से आकर दर्शन करते हैं। जिन भी मुनिराज को कोई शंका का समाधान करना हो तो वे दूर से ही तीर्थंकर भगवान को देखकर अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं। महाराजा पुष्पदंत को राजभोगों के बीच अलिप्त ज्ञान चेतना सहित दीर्घ काल बीत गया। उनको पुण्यजनित राजभोग महान था तो आत्मजनित आनंद का भोग उससे भी महान था, इसीलिए पुण्य भोगों में उनकी रुचि नहीं थी। एक बार मक्षिर शुक्ला प्रतिपदा के दिन ही महाराज अपने जन्म दिवस के दिन महल की छत पर खड़े थे और आत्मचिंतन कर रहे थे। इतने में अचानक आकाश में उल्कापात हुआ, तीव्र गर्जना के साथ बिजली गिरी। बिजली की चमक देखते ही उन्हें वैराग्य जाग उठा। यह मात्र बिजली नहीं, चारित्र मोहरूपी अंधकार को हटाने वाला महान दीपक है। प्रभु की चेतना जागृत हो उठी। आहा, ऊर्ध्वगामी उज्जवल आत्माओं को एक छोटा सा प्रसंग भी महान कार्य का निमित्त बन जाता है। प्रभु तो स्वयं बुद्ध है, मात्र एक बिजली की क्षणभंगुर चमक देखकर वे महान साम्राज्य राजभोग और रानियों को छोड़ने के लिए तत्पर हो गए तथा जिन दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय पूर्वक 12 वैराग्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र कान चाहूं। जिन्होंने अहमिंद्र पद के दिव्य वैभव को प्राप्त किया हो वे मनुष्य लोक के वैभव से कैसे तृप्त हो सकते हैं। यह संसार और बाह्य सुख संपदा तो संयोगों की वजह से मिलती है। बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। चैतन्य का स्वाभाविक सुख ही संयोग रहित सच्चा एवं शाश्वत सुख है। यह सांसारिक विषय तो इंद्रजाल के समान छलने वाले हैं। इनमें जीव असत पदार्थ को सत मान बैठा है, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जगत मुझ में नहीं है, मुझसे भिन्न है और मैं जगत से भिन्न हूँ। बस इन दो शब्दों से होने वाले भेद ज्ञान को ही सत्य स्वरूप समझकर वे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रभु को वैराग्य धारण करते हुए देख लोकांतिक देव आकर प्रभु की स्तुति करते हैं। एकमात्र लोकांतिक देव सिर्फ दीक्षा कल्याणक के समय ही आते हैं तथा सौधर्म इंद्र सूर्य प्रभा नाम की शिविका लेकर आरूढ़ होते हैं और अनेक राजा भी प्रभु की शिविका उठाने के लिए आतुर होते हैं। देवों में और राजाओं में वाक युद्ध होता है कि प्रथम पाल की कौन उठाएगा। देव कहते हैं कि जन्म से लेकर दीक्षा कल्याणक तक समस्त भोग सामग्री तो हम देवलोक से लेकर आते हैं, तो प्रभु के दीक्षा कल्याणक को मनाने का भी अवसर हमें ही प्राप्त होना चाहिए।
और राजाओं का तर्क होता है कि जो प्रभु के साथ संयम अंगीकार करे वही प्रथम पालकी उठाए। तब सौधर्म इंद्र खुद ही न्यायाधीश बनकर निर्णय लेते हैं कि बात तो सत्य है, हम देवलोक के सुख में तो मस्त हैं, लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते। अतः प्रथम पालकी उठाने का अवसर तो राजाओं को ही मिलता है। और तीर्थंकर प्रभु पालकी में विराजित होकर वन गमन करते हैं। समस्त वस्त्राभूषण का परित्याग करके पंचमुष्टि कैच लॉन्च करते हैं। नमः सिद्धेभ्यः कहकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं। जैनेश्वरी दीक्षा के 2 दिन तक प्रभु मौन उपवास धारण करते हैं और शुद्धोपयोग की दशा में रमण करते हैं। जैसे ही शुद्धोपयोग में मग्न होते हैं, प्रभु को मनः पर्याय ज्ञान और अनेकों रिद्धियां प्रकट होने लगती है। दीक्षा के 2 दिवस के पश्चात पुष्पदंत मुनिराज पुनः नगर में आहारचर्या के लिए पधारते हैं तथा प्रथम पारणा शैलपुरी नगरी के राजा पुष्पमित्र के घर होता है। महादेवों के द्वारा रत्नवस्त्रि आदि पंचाचार्य होते हैं। देवलोक जय जय कार करते हैं। प्रकार सुविधिनाथ मुनिराज ने मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि पूर्वक 4 वर्ष तक मौन रहकर साधना की और विहार किया। फिर काकंदी नगरी के दीक्षा वन में पुनः पधारे, जहां प्रभु ने दीक्षा अंगीकार की थी और अप्रतिहत भाव से आत्म ध्यान में एकाग्र होते हैं। 47 प्रकृतियों रूपी घाती कर्मों की बड़ी सेना को उन्होंने अकेले ही एकमात्र शुद्धोपयोग रूपी शस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया और अपना अनंत चतुष्टय रूप साम्राज्य प्राप्त करके परमात्मा बन गए। वीतराग सर्वज्ञ शुद्ध बुद्ध जिन अरहंत तीर्थंकर बन गए। समस्त देवलोक प्रभु का ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए पुनः मध्य लोक आते हैं और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर एक दिव्य समवसरण की रचना करते हैं। उनकी ही दिव्य ध्वनि का सार चैनागम कहलाता है। इंद्रिय ज्ञान से नहीं बल्कि अतिंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है। अतिंद्रिय ज्ञान और अतिंद्रिय आनंद ही प्रकट करने योग्य उपादेय है। तेक जीव को इंद्रियों से भिन्न अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही लक्ष्य करने योग्य है और वही सर्व जीवों का परम कर्तव्य है। प्रभु के विहार के समय 15-15 की पंक्तियों में 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है, प्रभु जिनका स्पर्श मात्र भी नहीं करते। इसी प्रकार अनेकों भव्य जीवों ने दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। उनकी धर्म सभा में 7,000 केवल ज्ञानी भगवंत और 1,500 श्रुत केवली, सप्त ऋद्धियों के धारी विदर्भ आदि 88 गंधर्व थे, 8,000 अवधि ज्ञानी तथा 7,500 मनः पर्याय ज्ञानी मुनीश्वर थे, कुल 2,00,000 मुनि और 1,40,000 आरिकाएं थी, 2,00,000 श्रावक और 5,00,000 श्राविकाएं। ऐसे महान सभा में मनुष्यों और तिर्यंचों की तो कोई संख्या ही नहीं थी। असंख्या देव उनकी वाणी को सुनकर सम्यक्त की प्राप्ति करते थे। इसी प्रकार इस भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव से लेकर चंद्रप्रभा तक 8 तीर्थंकरों का शासन काल अखंड रूप से चला। पश्चात सुविधिनाथ तीर्थंकर के समय चतुर्थ काल के मध्यंतर रूप में धर्म की विच्छुति होने लगी। इसी प्रकार भगवान सुविधिनाथ से धर्मनाथ भगवान तक के तीर्थंकरों के काल में कुल 7 बार भरत क्षेत्र में धर्म विच्छेद हुआ। भगवान शांतिनाथ के पश्चात महावीर भगवान पर्यंत तक धर्म की धारा अखंड रूप से चलती रही और पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। ऐसे सुविधि यानी सम्यक विधि बताकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले श्री भगवान ने समस्त जगती को अपनी अमूल्य निधि देकर योग निरोध प्राप्त किया। सुंदर दंत पंक्तियों से सुशोभित श्री पुष्पद भगवान का मोक्ष समय निकट आ गया है। वे अनंत तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि श्री सम्यक शिखर पधारे, जहां प्रभास कूट नामक टूक पर 3रे-4थे शुक्ल ध्यान द्वारा
योग निरोध करके अश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन स्वाभाविक उर्ध्वगमन किया। पुष्पदंत जिन राज का सुप्रभ कोठे जे, मन वचतन कर पूजहु शिखर समेत यजे। जय बोलिए 1008 श्री पुष्पदंत नाथ भगवान की, जय हो जय हो जय हो। तो इसी तरह अब हम भी अपने परिणामों को सुधार कर शीघ्र ही जन्म मरण का अंत करके सिद्धालय में विराजमान हो, इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।